हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 और इसके पहले मैंने 43 ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 44 नंबर को। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, ये है नरेशन एंड यहाँ पर लिखा हुआ है Which of the following is the correct indirect form of speech? यानी कि ये आपका डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है और इसे बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो होता क्या है कि सबसे पहले जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा डायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस है ये कौन सा है। यानी सेंटेंस नॉर्मली कितने तरह के होते हैं, आप नॉर्मली 5 तरह के आपने पढ़े होंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड टू हिम हाउ वंडरफुल इज द मॉर्निंग टुडे एंड ये लगा है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आप ध्यान रखें, सबसे पहले क्या चेंज होता है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी, एक्सक्लेम्ड में चेंज होगी। फिर ये देखा जाएगा इसमें कौन सी फीलिंग है, जॉय की है, सौरव की है ना, वंडर की है, वो देखना होगा। तो इसके बाद हम ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, इसे बनाना है असर्टिव सेंटेंस और टेंस भी चेंज करना है। तो सबसे पहले देखें आई सेड टू हिम का आई टोल्ड नहीं होता, आई ही टोल्ड नहीं हो रहा, ही एक्सक्लेम्ड हो रहा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय है ना, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कंजंक्शन क्या बनता है इसका, दैट बनेगा। अब यहाँ पर देखना हमें सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ पर है, ले सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट हाउ वंडरफुल इज द मॉर्निंग इज, तो मॉर्निंग क्या है, टुडे टाइम है और टाइम बताने के लिए आपका सब्जेक्ट बनता है इट, इज लगा हुआ है, इसे चेंज कर दिया जाएगा पास्ट में, ए वंडरफुल या हाउ वंडरफुल चेंज हो जाएगा वेरी वंडरफुल में, हाउ वेरी में चेंज कर देते हैं मॉर्निंग, एंड टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। आप भी कमेंट करके बताते जाइए और लास्ट में अपना टोटल स्कोर देखना है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने राइट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैरीज द सेंस लॉयल, यानी कि यहाँ पर कैरी द सेंस लॉयल, यानी कि इस सेंटेंस इस वर्ड में सॉरी इस वर्ड का हमें सिमिलर बताना है, कैसा वर्ड बताना है, सिमिलर यानी सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन है लॉयल का लवर, क्रूअल, चीट या फेथफुल। तो लॉयल मीन्स क्या होता है, वफादार होता है, ठीक है, और इसका बताना है सिमिलर और ये एडजेक्टिव है, और फेथफुल इसका सिमिलर वर्ड हो रहा, फेथफुल मीन्स ही होता है वफादार। तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर का सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बियर्स द सेंस ऑफ, ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको सिमिलर एंटोनिम्स इस तरह से लिखा मिले। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बियर्स द सेंस ऑफ डाइवर्स, बियर्स द सेंस का मतलब है कि सिमिलर बताना है, कैसा बताना है, सिमिलर या सिनोनिम्स, डाइवर्स का सिनोनिम्स बताना है क्या होगा। ऑप्शन है मच, ब्रिलियंट, डिसजॉइंटेड, वेरियस। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है इसका सिमिलर वर्ड। तो डाइवर्स का जो सिमिलर वर्ड हो रहा है वो हो रहा सी, डिसजॉइंटेड। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स, यानी क्या पूछे जा रहे हैं, सब सिमिलर पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, पूछने के तरीके चेंज हो रहे हैं है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्रोटियस का बताना है सिमिलर वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है अफेक्टेड, आर्टिफिशियल, एफेबल या न्यूमेरस। तो क्रोटियस का जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका एफेबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनेम ऑफ इल मैनर्ड, इल मैनर्ड का बताना है एंटोनेम। ऑप्शन है स्वेब, स्वीट, सॉ या रिच। तो इल मैनर्ड का जो राइट ऑप्शन हो रहा एंटोनेम्स वो हो रहा आपका स्वेब। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द नियर सिनोनिम्स, नियर सिनोनिम मतलब सिमिलर ही बताना है, और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का हमें बताना है सिमिलर। ऑप्शन है एंशियंट, एंटीक्वेटेड, आर्क या आर्म। तो प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन होता है, इसका नियर सिनोनिम्स हो रहा आपका एंशियंट, ऑप्शन ए इज द राइट।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज टू डू विद स्टीलिंग। स्टीलिंग का सिमिलर बताना है ना, क्या बताना है? सिमिलर, स्टीलिंग मतलब चोरी। नेक्स्ट ऑप्शन है हिलैरिटी, हाई, हाइट, हाईजैक या हिट। तो हाईजैक करना भी एक स्टीलिंग ही होती है, और तो राइट सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पर, वो आपका सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रिंग्स आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैक्सिम। इसका ट्रू मीनिंग बताना है, ठीक है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये जो लाइनें हैं ये इंग्लिश लिटरेचर की लाइनें, बहुत फेमस लाइनें हैं। यहाँ पर इसका सेंस बताना है कि इसका जो सेंस है वो क्या होता है, यानी फिर से पढ़ लेते हैं। इफ विंटर कम्स, यदि विंटर आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ठीक है। ऑप्शन है मैन मस्ट चीयर फॉर हिज फ्यूचर, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, नोबडी इज हियर फॉर एवर, या आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज अ पीरियड ऑफ ईज एंड कम्फर्ट सेल कम, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, समझ में आ गया होगा। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इसका जो एक्सप्लेनेशन निकलेगा वो निकलेगा डी, या आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज अ पीरियड ऑफ ईज एंड कम्फर्ट सेल कम इज द लॉ ऑफ नेचर, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्रिंग आउट द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ मैक्सिम। यहाँ पर भी उसी तरह से हमें बताना है, और यहाँ पर है लुक बिफोर यू लीप। आपने पढ़ा होगा एक बकरी की स्टोरी है ना, एक कुएं में होता क्या है, एक कुएं में लोमड़ी गिर जाती है, बकरी वहाँ से निकलती है, और लोमड़ी उसे अपनी जाल में फंसा लेती है और उसे भी कुएं के अंदर बुला लेती है, और लोमड़ी उसके ऊपर पैर रख के बाहर आ जाती है। तो जो स्टोरी आप, बहुत ही सिंपल है, कई तरह की ऐसी स्टोरी बनी हुई हैं, तो उसका जो मोरल आता है वो क्या आता है कि लुक बिफोर यू लीप, यानी कुछ करने से पहले सोचो, सोचना चाहिए कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा एंड में। तो ऑप्शन है लुक बिफोर यू लीप के आपके, मैन शुड नॉट बी ओवर एक्टिव, वन मस्ट बी फुल ऑफ वर्शिप, वन मस्ट बी केयर फ्री, या वन मस्ट डू एनीथिंग विदाउट वेइंग द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट। तो सिंपल है ये, इसका जो आंसर हो रहा वो हो रहा आपका डी, कि वन मस्ट नॉट डू एनीथिंग विदाउट बीइंग द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट, यानी कि एक्ट के परिणाम को जाने बिना इसका परिणाम क्या होगा कोई कार्य किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ब्रिंग्स आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ मैक्सिम। क्या है, एज यू सो सो शैल यू रीप। इस तरह की भी हम लोगों ने कई बार कहानियाँ पढ़ी हैं, मोरल में हमें मिलता है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटेंगे। तो इसका यहाँ पर हमें फोर ऑप्शन में से राइट आंसर निकालना है। तो वी मस्ट नेवर बी फ्राइटेंड, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। आवर डीड विल डिटरमाइंड आवर फ्यूचर, हमारे कार्य हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। आवर गोल्स शुड बी लॉफ्टी, या फिर देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बैक इन अवर प्रोमिसेस। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, कि आवर डीड विल डिटरमाइंड अवर फ्यूचर, इसका ये राइट ऑप्शन होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ मैक्सिम। एवरी सीजर हैज ए फॉल। ओके, तो एवरी सीजर हैज ए फॉल, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। ये जूलियस सीजर था जो रोम का बहुत बड़ा शासक था, विलियम शेक्सपियर का भी प्ले है जूलियस सीजर, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ही पूछा गया है। और ऑप्शन है डेमोक्रेसी इज द वेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वी मस्ट वर्शिप सीजर, डिक्टेटर्स कैन नॉट रूल फॉर एवर, या पावरफुल मैन आर वेरी नाइस। तो जूलियस सीजर जिन लोगों ने पढ़ा हो रहा समझ में आया होगा कि ऑप्शन सी इसका राइट हो रहा है, डिक्टेटर्स कैन नॉट रूल फॉर एवर, जो तानाशाह होते वो हमेशा शासन नहीं कर सकते। या फॉल का मतलब उसके पतन होने से ही है, एवरी सीजर है जी फॉल। सीजर ने बहुत तानाशाही की थी है ना, जिसने अपने दोस्त ब्रूटस को मारा था। तो दोस्तों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।